अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौरी अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी पंजाब की रवायती जो डिश है कड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स की बनाना सिखाई हैं, तो उसी सिलसिले में मैं आज ये पाँचवीं या छठी आई थिंक मैं आपको पंजाबी कड़ी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आज की कड़ी का जो नाम होगा वो होगी बूंदी वाली कड़ी। दोस्तों, ये बनाना भी बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है, स्पेशली गर्मियों में। तो गर्मियों में आप इसे बनाएं और सफ़ेद चावल साथ बनाएं, सफ़ेद चावल के ऊपर डाल के खाएँ तो आपको बहुत मज़ा देगी, ठंडक देगी जिसम में, जिगर मसाने की गर्मी दूर करेगी, तो आपको खाने का मज़ा आएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बर्तन में मैंने 1.5 लीटर की करीब लस्सी ले ली है, बटर मिल्क। इसे मैंने तकरीबन 2 दिन के लिए रखा है ताकि ये खट्टी हो जाए, और कड़ी हमेशा खट्टी ही अच्छी लगती है, मुझे तो खट्टी पसंद है। तो इसे मैंने 2 दिन के लिए रखा हुआ था, तो इसे मैंने छान लिया था 6-7 दफ़ा। तो आपने जब भी कड़ी बनानी है, आपकी कड़ी जो फटती है वो क्यों फटती है, आप फुल तेज़ आंच के ऊपर इसे ठंडा रख देते हैं, या इसे आप फुल तेज़ आंच करके साइड पर रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे दूध फटता है वैसे फट जाती है। तो अभी ये इस टाइम ये रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है, हमने रूम टेम्परेचर पर इसे रखना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून में नमक शामिल कर दूंगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। दोस्तों, मैंने ये बेसन छान के रखा हुआ है, आपने हमेशा छान के डालना है। अब इसे अच्छे तरीके से हिला लें, तो इसे मीडियम लो के ऊपर आप चूल्हे के ऊपर रख दें ताकि ये आराम से 1 घंटे के लिए पकती है। तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप हम जो बनाएंगे, इसका तड़का लगाएंगे और इसमें बूंदी शामिल करेंगे, जो दूसरा स्टेप होगा। चलिए दोस्तों, इसे चूल्हे पर रखते हैं ताकि ये आराम से पकती है। लेंगे दूसरा स्टेप करते हैं दोस्तों। एक तो हमने तड़का लगाना है जब कड़ी तैयार हो जाएगी और बूंदी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप बेसन ले लिया, मैंने एक बर्तन में डाल दिया है, 1 टेबल स्पून के करीब अनारदाना डाल दें, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 के करीब लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला। लेंगे दोस्तों, हमारा ये बेसन का जो बैटर है उसके लिए जो हमने बूंदी बनानी है उसके लिए मैंने ये मटेरियल डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालने से गाढ़ा सा बनाना है आपने। आपने घोल इतना बनाना है, ना पतला हो ना गाढ़ा हो। तो 5 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट देनी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। लेंगे दोस्तों, ये हो गया है, मैं अच्छे तरीके से 5 मिनट के हिलाता हूँ और फिर 5 मिनट के रेस्ट लेकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने इसकी बूंदी जो बनानी है कैचौरी बोतल से बनानी है, मैंने एक वीडियो डाली थी बूंदी बनाने का तरीका, तो उससे भी आप देख सकते हैं डेमो, लेकिन इसमें आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा। लें जी दोस्तों, हमारी कड़ी तैयार हो गई है, तकरीबन 1 घंटा हो गया इसे पकते हुए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, मैंने बेसन आपके सामने घोला था, ना पतला था ना गाढ़ा था, तो मैंने इस किस्म की केचप की बोतल में डालकर इसे बारीक बारीक 1 कप के अंदर ऑयल डाल के, तो बारीक बारीक के करीब मैंने बूंदी बना के इसके अंदर डाल दी है। तो देखिए, अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसके अंदर मैंने एक छोटी प्याज, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, और 2 मैंने बारीक सबज़ मिर्च काट ली है। अगर आपको सबज़ मिर्च नहीं पसंद तो आप 3 से 4 गोल मिर्च लेकर उसे क्रश कर लीजिएगा, उसे हाथों के साथ मसल लीजिएगा तो वो आप डाल लीजिएगा। तो मैं ग्रीन चिली का लगा रहा हूँ तड़का। दोस्तों, सबसे पहले
और इनमें प्याज डाल दें। और इसे ब्राउन होने दें। फिर मैं दोस्तों जैसे ये ब्राउन होते फिर मैं नेक्स्ट आपको प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है और लाइट और सिंपल होती है। लीजिए दोस्तों प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर हम डालेंगे अब सबज मिर्च, हिला लें। इसके बाद कसूरी मेथी और जीरे को इसके अंदर शामिल करते हैं और आधे मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। चने दोस्तों से एहतियात के साथ उठा के इसके अंदर डाल लें। थोड़े एक्स्ट्रा कर लें इसे। चले दोस्तों ये हमारी जो है बूंदी वाली कड़ी तैयार है, इसे मैं डिश आउट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार बूंदी वाली कड़ी तैयार है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइए, बहुत लाइट मज़ेदार और यमी है स्पेशल गर्मियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब धनिया लिया है। दोस्तों मुझे धनिया पसंद नहीं है कड़ी के ऊपर, क्योंकि कड़ी ऑलरेडी ठंडी होती है, धनिया भी ठंडा होता है, तो इस वजह से मुझे ये कड़ी के ऊपर धनिया पसंद नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सजावट के लिए कुछ डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे दोनों चैनल के जो है बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें अपने जोली को, अजीम को, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।